सब्सक्राइब कीजिए D2 फैशन हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ऑल सिलेक्ट कीजिए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज हम इस शर्ट से एक बहुत ही प्यारा लेडीज टॉप बनाएंगे। तो अगर आपको ये पॉकेट निकालना है तो निकाल सकते हैं आप, मैं इसे ऐसे ही रखूंगी। अब आपको ये जो शर्ट है ये मिडल से फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपको इसे अच्छी तरह से रखना है, इसमें कोई सिलवट ना हो इसका आपको ध्यान देना है। ये जो शर्ट है वो मीडियम साइज़ का है, तो अगर आप मीडियम पहनते हैं तो आप मीडियम साइज़ लीजिए, नहीं तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मार्किंग्स के लिए ये मैं पुराना टॉप ले रही हूँ, इसे भी आपको मिडल से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर आर्म होल का जो मिडल पॉइंट है वहाँ पर आपको इसे फोल्ड कर देना है। देखिए इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देना है और यहाँ पर ही हम मार्किंग करेंगे। और हमारा ये जो शर्ट का आर्म होल है उसका भी आपको मिडल पॉइंट मार्क कर देना है। अगर आपने बड़ी साइज का शर्ट लिया है तो साइड के लिए आप 1 इंच की मार्जिन छोड़ कर मार्किंग्स कर दीजिए। यहाँ पर मैं मार्जिन नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट मीडियम साइज का ही है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब यहाँ पर आपको 1 या 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़ कर इस तरह से स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अगर नेक आपको ज़्यादा डीप चाहिए तो उस हिसाब से आप ये बढ़ा सकते हैं, देखिए इस तरह से। अब आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। पहले मैं ये एक लेयर कट कर रही हूँ, अब यहाँ पर अंदर से मैं ये पीछे की लेयर कट कर रही हूँ क्योंकि ये जो कपड़ा है ये बहुत ही मोटा हो गया है। इस तरह से कट करने के बाद अब आर्म होल से आपको इस तरह से मार्जिन छोड़ कर ये कटिंग करनी है। चारों लेयर सबको सेम तरीके से कट करने हैं। देखिए ये कटिंग करने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा ये। अब हम इसकी जो बेल्ट है वो कट करेंगे और इसी तरह से ये पैनल भी कट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्लीव्स का मटेरियल है इससे हम बेल्ट बनाएंगे। कट करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच मार्क किया है, तो इस तरह से आपको ये कट करना है। इसी तरह से दूसरा जो स्लीव्स है उसको भी आपको कट करना है और ये ओपन करके आपको बाद में इसमें से बेल्ट बना देने हैं। अब ये ऊपर के जो पैनल्स हैं इनके लिए हम फैब्रिक या पट्टी जो है वो निकालेंगे। तो स्लीव्स का ही फैब्रिक मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, पहले मैं इसे ओपन कर दूंगी। देखिए ये जो फैब्रिक है इस तरह से आपको ये प्लेस करके देखना है। तो यहाँ पर ये जो पट्टी है ये कुछ इस तरह से आएगी। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है, इससे कम भी आप रख सकते हैं अगर फैब्रिक नहीं है तो। तो यहाँ पर आपको ये इस तरह से कट कर देना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके फिर से आपको ये मिडल से कट कर देना है। सेम तरीके से दूसरे साइड के लिए भी आपको ये फैब्रिक कट करना है। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ऑल सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब बैक साइड के लिए ये जो ऊपर का पोर्शन हमने कट किया था वही हम इस्तेमाल करेंगे। आपको ये मिडल से फोल्ड करके लेना है और यहाँ पर ये जो ऊपर का पोर्शन है वो फैब्रिक आपको कट करना है। ये ट्रायंगल हमने कट कर दिया तो इसकी जो फिनिशिंग है वो बाद में अच्छे से आएगी। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। देखिए ये बैक साइड के लिए पैनल रेडी हो गया है, अब आपको इसे मिडल से कट करना है। अब हमने ये सारे पीस रेडी कर दिए हैं, तो इस तरह से ये सारे पीस हमारा जो टॉप है उसमें लग जाएंगे। फ्रंट के लिए हमने जो पैनल्स निकाले थे वो आपको बीच में से कट करने हैं। अब हमने ये जो बेल्ट निकाले हैं ये साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करके इन पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट्स रेडी कर दी है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है ताकि बाद में हम इस पर गैदरिंग्स बनाएं।
ये जो सिलाई है वो आपको लंबे धागे की लगानी है ताकि इसे आप अच्छे से खींच कर इस तरह से इसमें गैदरिंग्स बना सकें या सिलवटे आप इसमें डाल सकें। बैक साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। इस पर मैंने गैदरिंग्स लगा दी है, ये पीछे की साइड और ये आगे की साइड। गैदरिंग्स की लेंथ चेक करने के लिए आपको आपका पुराना टॉप लेना है। दोनों टॉप्स के ये पॉइंट आपको इस तरह से जॉइन करके ये लेंथ जो है वो आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर ये लेंथ कम आ रही है तो मैं ये एडजस्ट करके ले रही हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है। तो यहाँ पर हमारी ये जो पट्टी है वो आएगी इस तरह से, इस पर हम सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह से ये दूसरी पट्टी भी सेम तरीके से आपको ज्वाइन करनी है। अब यहाँ ये जो आर्म होल की एज है इसके लिए हम क्रॉस पट्टी निकालेंगे। तो हमारा ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसी में से आपको क्रॉस पट्टी निकालनी है। आप देख सकते हैं ये क्रॉस है, स्ट्रेट नहीं है, तो आपको भी ये क्रॉस कपड़ा ही कट करना है। अगर आप स्ट्रेट करेंगे तो आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.2 इंच है, इस तरह से ये आएगा। तो पहले ये जो मैंने क्रॉस पट्टियाँ निकाली थी ये मैं ज्वाइन करूँगी। इस तरह से आपको ये रख कर इन पर सिलाई लगा देनी है। ये सारी क्रॉस पट्टियाँ जो हमने निकाली है मैं इसी तरह से ज्वाइन करूँगी। अब ये जो आर्म होल की साइड है इस पर मैं ये पट्टी अटैच करूंगी। तो ये सिला हुआ पार्ट जो है ये आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर ये सिलाई लगानी है। देखिए ये सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब आपको ये पलट कर अंदर की साइड आपको ये मोड़ कर इसके ऊपर फिर से आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये तैयार हो गया है, तो इस तरह से ये दिखेगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी आपको रेडी कर देनी है। मैंने ये दोनों साइड्स रेडी कर दिए हैं। अब हम हमारा जो ऊपर का पैनल है वो इसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपको ये रखना है और यहाँ पर फिर से आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इस पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा या मार्जिन रखनी है ताकि बाद में हम इसमें फोल्ड लगा सकें। देखिए अब ये बन गया है। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी रेडी करेंगे। अब ये भी बन गया है। अब आपको इसे पलट देना है और इस तरह से पलट कर फिर से आपको इसके पीछे की साइड भी पट्टी अटैच कर देनी है। सेम तरीके से आपको इसे थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है इस पर। अब दूसरी साइड पर भी आपको सेम तरीके से पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड पर टोटल दो दो पट्टियाँ अटैच की हैं। देखिए बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये आपको कट करना है। आपको ध्यान देना है कि फोल्डिंग के लिए आपको 0.5 इंच की मार्जिन छोड़नी है। सो अब हम ये जो पीछे की साइड है वो भी अटैच करेंगे। सेम तरीके से आपको ये इस पर जॉइन करना है जैसे हमने आगे की साइड तैयार की थी उसी तरीके से। देखिए ऊपर की साइड हमने ये चारों पैनल्स अटैच कर दिए है, इसी तरह से पीछे की साइड भी रेडी हो गई है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट अटैच करने के लिए पहले आपको ये फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है और यहाँ पर आपको इस तरह से ये बेल्ट जो है वो अटैच कर देने हैं इसमें। अब बेल्ट की जो लेंथ है वो अच्छी तरह से समझने के लिए फिर से आपको आपका पुराना टॉप लेना है। इसका जो आर्म होल का पॉइंट है नीचे से वो आपको ज्वाइन करके इस तरह से ये चेक करना है कि आपको लेंथ कितनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 4.5 इंच की लेंथ चाहिए,
यहाँ पर ये जो बेल्ट है इसकी 10.5 इंच लेंथ है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट करके बेल्ट इसमें अटैच करूँगी। अब ये जो ओपन साइड है इस तरह से आपको ये फोल्ड कर देने हैं और इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। अब सारी जो साइड्स है सेम तरीके से आपको फोल्ड करके इन पर सिलाई लगानी है। देखिए अब ये रेडी हो गया है, इस तरह से आपको ये मिलेगा। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट अटैच करने के लिए पहले आपको पीछे की साइड इस तरह से फोल्ड करनी है। अब बेल्ट को आपको डायरेक्टली इस पर रखना है और इस तरह से रख कर इस पर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से जो दूसरी साइड है ये भी आपको फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है और साइड में आपको ये बेल्ट अटैच कर देनी है। देखिए इस तरह से अब हो गया है। सो बेल्ट की जो लेंथ थी वो 10.5 इंच है, यहाँ पर ये मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर रही हूँ। अब आगे की जो साइड है वो आपको इस तरह से फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट की जो लेंथ है वो 9.5 इंच ली है। देखिए इस तरह से अब ये रेडी हो गया है। इसी तरह से आपको ये जो पार्ट है वो भी रेडी कर देना है। अब यहाँ पर हमारी जो आगे की साइड है वो रेडी हो गई है। अब हम पीछे की साइड में बेल्ट अटैच करेंगे, तो पीछे की साइड भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करनी है। देखिए पीछे की साइड भी अब रेडी हो गई है। अब यहाँ मैं ये बटन अटैच कर दूंगी और यहाँ पर मैं बटन होल बनाऊंगी। तो बटन होल के लिए मैंने ये मार्किंग की है, आप इसे हाथ से भी बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। तो ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर मैं बटन लगाऊंगी, मैंने इस पर बटन लगा दिया है, तो अटैच करने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। देखिए अब यहाँ अगर आपको साइड में फिटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने साइड में कोई भी फिटिंग नहीं की है क्योंकि ये परफेक्ट आ रहा है। देखिए अब हमारा ये जो टॉप है अब बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है, आप भी इसे ज़रूर बना कर देखिए, ये आसानी से बन जाता है। अगर आपको ये DIY पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिएगा और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।